एमपीपीएससी 2023 परीक्षा पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया। हाईकोर्ट ने परीक्षा में पूछे गए दो सवालों को गलत पाया। हाईकोर्ट ने दिए मेरिट लिस्ट फिर से बनाने के निर्देश। बता दें राज्य वन सेवा प्री परीक्षा की मेरिट लिस्ट 30 जून को होनी राज्य वन सेवा की मुख्य परीक्षा, और इसी को लेकर के ये बड़ा आदेश अब हाईकोर्ट की ओर से आया है। एमपीपीएससी 2023 परीक्षा में हाईकोर्ट ने ये बड़ा फैसला लिया है, और हाईकोर्ट ने परीक्षा में पूछे गए दो सवालों को गलत भी पाया है। तो हाईकोर्ट ने मेरिट लिस्ट फिर से बनाने के निर्देश दिए हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं, हाईकोर्ट का ये बड़ा फैसला, मेरिट लिस्ट जो है फिर से बनाने के निर्देश दिए गए हैं। तो एमपीपीएससी 2023 परीक्षा में हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। हाईकोर्ट ने परीक्षा में पूछे गए दो सवालों को गलत पाया है, और साथ ही साथ हाईकोर्ट ने मेरिट लिस्ट फिर से बनाने के निर्देश भी दिए हैं। हाईकोर्ट ने निर्देश दे दिए हैं कि फिर से मेरिट लिस्ट बनानी है। आपको बता दें कि राज्य वन सेवा प्री परीक्षा की यह मेरिट लिस्ट है। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी पवन हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन, बड़ा फैसला हाईकोर्ट की ओर से लिया गया है, और फिर से यहां पर मेरिट लिस्ट जो है बनाने के निर्देश भी दिए गए हैं। जी बिल्कुल, ये बड़ा फैसला कहा जा सकता है कि 2023 की जो एमपीपीएससी की परीक्षा हुई थी उसमें दो सवाल गलत पाए गए हैं। इसको लेकर के हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी, और जब जांच की गई तो वाकई में दो सवाल गलत पाए गए, जिसके बाद फिर से मेरिट लिस्ट बनाने के निर्देश हाईकोर्ट की तरफ से दिए गए हैं। एक बड़ा फैसला, जिसके बाद मेरिट लिस्ट अगर नए सिरे से बनती है तो संभव है कि जो अपात्र थे वो पात्र हो सकते हैं, और जो पात्र थे वो अपात्र भी हो सकते हैं। जी, अब चूंकि यहाँ पर फिर से मेरिट लिस्ट बनाने के निर्देश दिए गए हैं, तो कहीं ना कहीं इसका विरोध हम बाकी स्टूडेंट्स के द्वारा भी देखेंगे। कुछ रिएक्शन जो सामने आए हो? अभी रिएक्शन सामने नहीं आए हैं, क्योंकि अभी ये कुछ देर पहले ही ये फैसला आया है, लेकिन जैसे ही ये फैसला सभी छात्रों तक पहुंचेगा, इसकी जानकारी पहुंचेगी, तो निश्चित ही कि विरोध भी होगा और कुछ लोग इसके पक्ष में भी खड़े होंगे। तो यानी देखने ये होगा कि अब जो है शासन प्रशासन और जो पीएससी है छात्र हैं वो इस पर कैसे रिएक्ट करते हैं। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल।